हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो फास्ट देखो, जनरल साइंस रो पार्ट वन आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी। जनरल साइंस रो पार्ट टू लास्ट पार्ट को आम एवं डिस्कस करवा, जोटा कि बायोलॉजी पार्ट रोच। बायोलॉजी पार्ट को आम कवर करवा। सो इतने देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री यही पार्ट को, कंप्यूटर पार्ट को आम ऑलरेडी कवर कर सारी। जो मैंने कवर करन तार प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस क्वेश्चन सब अच्छे, प्रीवियस वीडियोस से सब डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अच्छी, ताकि तुम्हें देखिपार। तो ये देखो, बायोलॉजी जो आम स्टार्ट करुचे, बेसिक पार्ट को आम जानवा दरकार। बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन, फादर ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, यही सब जिनस को आम जानवा निहाती दरकार। तापरे सेकेंड पार्ट आउ कौन इम्पोर्टेंट ना, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी माने कौन, साइटोलॉजी माने कौन, समस्त जानथ्वो व्हाट इज साइटोलॉजी। सेल समस्ते जानथ्वो, सेल विषय जब आम स्टडी करुचे, एनी प्लांट आउ एनिमल सेल मानक विषय जब आम स्टडी करुचे, आम साइटोलॉजी कहचे। तो साइटोलॉजी रो बहुत सारा कनसेप्ट अच्छे, जोटा कि मे बी क्वेश्चन आसीन। ओके, गोटे दुटा क्वेश्चन थी रिलेट करी, बट सेमती किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन आसीनी साइटोलॉजी रू। तापरे ऑर्गेनिज्म रो क्लासिफिकेशन अच्छे, समस्त जानथ्वो बहुत सारा किंगडम अच्छी। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटाइप, किंगडम एनिमलिया, ये सब जो जिनस अच्छी तुम यही पार्ट देखिपर। बट सेमती किसी क्वेश्चन आसीनी। तो क्वेश्चन कौटू आसी ना, प्लांट को बेस करके क्वेश्चन आसी, आउ एनिमल को बेस करके आम अलग सेक्शन करे जो बेसी क्वेश्चन अच्छी। ह्यूमन, ह्यूमन रो जहाँ भी अच्छी, मैंने बेसिकली ह्यूमन बॉडी कि ह्यूमन एनाटॉमी जो कहे, ह्यूमन को लेकिन जहाँ भी जिनस अच्छी गोटे सेपरेट सेक्शन रखाई। तापर इकोलॉजी तो आम देखी काली जो प्रीवियस वीडियो रे। तो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स रो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सेमती किसी बेसी ना। ह्यूमन डिजीजेस एटा इम्पोर्टेंट, सबुले सब वर्ष क्वेश्चन आसपे ये। तापर एनिमल मानकर डिजीज, प्लांट मानकर डिजीज, एनिमल मानकर डिजीज सेमती किसी आसीनी क्वेश्चन, आउ प्लांट मानकर डिजीज जो अच्छी सेमती किसी क्वेश्चन आसीनी। बट एटी प्लांट मानक विषय दुईटा जिनस अच्छी, एटा एक्चुअली प्लांट कैटेगरी रहा कथा, कौटी यही पार्ट रहा कथा प्लांट पार्ट। से तुम्हें जो भी रखिपारे, जस्ट खाली एथे सेग्रिगेट करने रखाई। तो यही सब जिनस देखा, मिसलेनियस सेक्शन बहुत सारा अच्छी। तो मिसलेनियस सेक्शन जो एटा बेसिकली साइंस रो मिसलेनियस सेक्शन, तो टोटाल साइंस रो, तो से पार्ट को भी आम डिस्कस करा, जो थे भेरियस इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करने अच्छी। तापरे जोटा कि आम ये सेक्शन गुड़ा कवर होनी, ताकू आम डिस्कस करवा। तो फास्ट देखो, फास्ट क्वेश्चन अफ दिस वीडियो कौन ना, ह्विच अफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। तो बहुत सारा हार्मोन अच्छी जोटा कि प्लांट आउ एनिमल मानक सहित आसोसीएट। तो से प्लांट हार्मोन विषय से पचारे, ये चार्ट ऑप्शन दी से प्लांट मानक हार्मोन कौटा, मेलाटोनिन, गैस्ट्रिन, साइटोकाइनिन, चेल कोलेस्टोकाइनिन। ओके, तो ये जो चार्टा ऑप्शन रू तुम्हें जो एनसीईआरटी समस्त पढ़ी थो, ताले यार आंसर इजिली दे पारो, कि आरिया कि तुम्हें जो बुक को भी पढ़ी थो इजिली आंसर दे पार। आमर हाईस्कल जो पढ़ी आम बायोलॉजी से पार्ट रे भी यार क्वेश्चन मैंने आंसर तुम्हें पाइपर। तो यार आंसर देखा आम कौन देसी, कौटी आम तार सर्च को आम पाइपर। ओके, तो मुझे जस्ट सर्च करुच्ची, देख व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। आंसर हम सी। तो आंसर सी तो आम जानचे, बट ताकू बेसिक जिनस जाना दरकार, जमी साइटोकाइनिन कौन, साइटोकाइनिन रो काम कौन। साइटोकाइनिन बेसिकली कौन हेल्प करे ना, इट हेल्प्स इन रैपिड सेल डिवीजन इन प्लांट। प्लांट मानक सेल डिवीजन बहुत जल्दी कराए, आउ इट इज लार्जली प्रेजेंट इन कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर ये लार्जली प्रेजेंट थाए। आउ टू टाइप्स ऑफ साइटोनाइन, साइटोकाइन आर देयर, कौन कौन, एडेनाइन आउ फेनोलुरिया। ओके, तो साइटोनाइन्स आर इन्वॉल्व इन प्लांट प्रोसेसेस लाइक सेल डिवीजन एंड शूट एंड रूट मॉर्फोजेनेसिस। फार्मर बेसिकली यूज करती साइटोकाइनिन टू कौन पे ना, टू इनक्रीज द क्रॉप्स। तापर देखो, साइटोकाइनिन को छाड़ी की जो अलग जो चार्टा हार्मोन अच्छी, मेलाटोनिन एनिमल रो हार्मोन। तो मेलाटोनिन इज द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिनेल ग्रैंड, आउ इट इज अल्सो कॉल्ड हार्मोन ऑफ डार्कनेस। तो एमती भी क्वेश्चन आसो जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज हार्मोन ऑफ डार्कनेस,
मेलाटोनिन इज एल्सो कॉल्ड एज हार्मोन ऑफ डार्कनेस। तापरे मेलाटोनिन रो काम कौन, इट रेगुलेट द सर्काडियन रिदिम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो मैंने ये टर्म गुड़ा को जानी पारुनो ताको सर्च कर, सर्च करी मैं एनसीईआरटी बुक रे बढ़िया देइछि तार जो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो पार्ट अच्छी, ह्यूमन एनाटॉमी जो पार्ट अच्छी, से बहुत सारा पार्ट अच्छी, तो पार्ट को जाइकि तुम कवर कर पार। सो द डेफिशिएंसी जदि आसला मेलाटोनिन रे ताले कौन हम ताको आम कौन कहे स्लीपेसनेसेस। ओके तापर गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन गोटे पेप्टाइड हार्मोन जोटा कि रिलीज हुए कौ सेल द्वारा ना जी सेल इन द प्लायरोरिक एंट्रम ऑफ स्टोमाच डोडेनम एंड पानक्रियास। तापर चोलेसाइट काइनिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटेरोडक्ट्रिन सेल्स इन डेडेनम। ओके तो से यूज पर्टिकुलर चैप्टर जदि जीवो एनसीईआरटी रो सेथिरे तमे इजीली ए जो पार्ट को कवर करि परिबो। तापर सेकेंड क्वेश्चन, द रूट ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो नियर डाउनवर्ड्स व्हाइल शूट्स यूजुअली ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द यूज ऑफ अर्थ। इट इज नोन एज हाइड्रोट्रोपियम, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली से कौन कहे ना आम जो प्लांट अच्छी, प्लांट जो रूट अच्छी से कौन करे ना रूट जो अच्छी से ग्रो करुच्छी कड़े तल को ग्रो कर डाउनवर्ड, बट सुट जो कांड जो कौन आम कांड ग्रो कर कौन ऊपर आड़ को। तो ये जो अच्छी ये मेकानिजम को आम कौन कहती। ओके तो आंसर कौन हम, आंसर हम जियोट्रोपिज्म। तो आंसर जदि आम देखा आम बुझाप ट्राए करवा, तो आंसर है वो बी। तो से जो बहुत सारा कौन अच्छी मॉर्फिज्म अच्छी। ओके तो ट्रॉपिज्म देखो एडिशनल रोड, तो ट्रॉपिज्म मान मॉर्फिज्म नो ट्रॉपिज्म, तो ट्रॉपिज्म बहुत सारा मान अच्छी। ट्रॉपिज्म रेस्पॉन्स और ओरिएंटेशन ऑफ प्लांट और सर्टेन लॉयर एनिमल टू स्टिमुलस दैट एक्ट विथ ग्रेटर इंटेंसिटी फ्रॉम वन डायरेक्शन दैन अदर। इट मे बी अचीव बाय एक्टिव मूवमेंट और बाय स्ट्रक्चरल अल्टरेशन। तो ये जो ट्रॉपिज्म रो बहुत सारा फॉर्म अच्छी, खाली जियो ट्रॉपिज्म नुह, फोटो ट्रॉपिज्म अच्छी जोटा कि लाइट रो रेस्पॉन्स रे हुए, तापर जियो ट्रॉपिज्म ग्राविटी रो रेस्पॉन्स रे हुए। तेणु यहाँ आम कहीपर ग्राविटी रो रेस्पॉन्स रे आमर कौन हुए जियो ट्रॉपिज्म हुए। तापर केमोट्रॉपिज्म, तो केमोट्रॉपिज्म माने कौन रेस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर सब्सटेंसेस। तापर हाइड्रोट्रॉपिज्म विथ रेस्पॉन्स टू वाटर इजी। तापर थिग्मोट्रॉपिज्म रेस्पॉन्स टू ए मेकानिकल स्टिमुलेशन। एमती सब ए पार्ट को तुम्हें कवर कर पारियो। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ्रन, साफ्रन कोटू ऑब्टेन हुए, साफ्रन इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एटा भी तुम्हें एनसीईआरटी रु पाई पारियो। तो लीव, स्टेम, अंतर एंड होल फ्लावर, स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो ये जो आंसर कौन हम अंतर एंड होल फ्लावर। तो जो प्लांट रो बहुत सारा जो पार्ट अच्छी से प्लांट पार्ट रो जो प्लांट लीफ फ्लावर या विषय तुम आइडिया थिबा दरकार। तो ये आम देखा देख साफ्रन इज ए स्पाइस जोटा कि कौटू डिराइव हुए, डिराइव फ्रॉम फ्लावर ऑफ कॉर्पस सैटिवस कमनली नोन एज साफ्रन क्रोकस। इट इज मेनली ग्रोन इन कोल्ड रीजन। साफ्रन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ द प्लांट। ओके तो आम ये कौन देती आंतर एंड होल फ्लावर आंसर देती, बट स्टिग्मा ऑफ द प्लांट देती आम देखा एक्चुअली आंसर कौन। तो यार आंसर से सी भूल देती, बेसिकली स्टिग्मा ऑफ द प्लांट। ओके तो आंसर हम डी। तो ताकू जो तुम कन्फ्यूज हो तुम कमेंट सेक्शन में मेनसन कर, जब अलग को आंसर तुम भावुक चेक कर। ओके तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क इज ए सिंथेटिक प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट और मैन मेड प्रोडक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जब पढ़ी इजिली तुम आंसर कर पार, जदि भी पढ़ी न कि भी पढ़ी न तो सिल्क विषय जब जाच इजिली आंसर कर पार। तो सिल्क कौन इट इज ए प्लांट प्रोडक्ट। ओके तो सिल्क राडन नेयन ये सब जो अच्छी रेयन, तो से सब जो अच्छी से सब जिनस को बेसिकली एनसीईआरटी पार्ट में पाइपर कौट पाइब ना सिंपली तुम कौन कर सिल्क भी जब तुम सर्च करुच सिल्क एनसीईआरटी सर्च कर। तो देख ये पार्ट्रे सिल्क रूट नो ये गोटे पर्टिकुलर जो चैप्टर थी, तो सही
সেই চ্যাপ্টারকে যাইকি তুমি পড়িয়া পাই ট্রাই করিব। ফাইবর টু ফ্যাব্রিক এই চ্যাপ্টারে তুমি সে পার্টকু পাই পারিব। ওকে, তো এটা দেখো অ্যানিমাল দ্যাট ইল উল, কো অ্যানিমাল মানে উল কু ইল করন্তি, তারপরে বেসিক্যালি উল র প্রসেসিং কেমতি, এটা দেখো সম ইন্ডিয়ান ব্রিড অফ শিপ, যদি কোশ্চেন আসিও মারুয়ারি ব্রিড কোউটি দেখা যাতে গুজরাটরে দেখা যাতে, সেই টাইপর কোশ্চেন বি আসিপারে। তাপরে বেসিক্যালি দেখো সিল্ক, সিল্ক রু আমি সেরিকলচর যে কৌছে, আমি সেরিকলচর কাহু কৌছে, আমি সিল্ক ফর্মেশন কু সেরিকলচর কৌছে। দা রিয়ারিং অফ সিল্ক ওয়ার্ম ফর অবটেনিং সিল্ক ইজ কল্ড সেরিকলচর। তো এটা দেখো সেরিকলচর, তাপরে নেক্সট তুমি পাই পারিব ওকে এই চ্যাপ্টার বেসিক্যালি লিমিটেড টু সিল্ক, নেক্সট চ্যাপ্টার তুমি অলগা পার্ট বি পাই পারিব। তারপরে দেখ নেক্সট কোশ্চেন কু যাই যা, অ্যানিমাল অ্যানিমাল সেকশনে দেখ, অ্যানিমাল সেকশনে ফার্স্ট কোশ্চেন হোয়াট ইজ এ ফিশিং গিয়ার, ফিশিং গিয়ার তো অ্যানিমাল চ্যাপ্টার রহবা কথা নু বট রখা হয়েছি, তো এটি কোণ পাই বেসিক্যালি এটা কোণ ইকোলোজি রে তুমি পড়িথিব এনভায়রনমেন্ট এন্ড ইকোলোজি রে। তো ফিশিং গিয়ার কোণ, ফিশিং করিয়া পরে যে আমার যে অনইউজ পার্ট রহিযায়, যেটা কি যে ডিভাইস ইউজ হয়ে থাকে টু ক্যাচ প্রন এন্ড লবস্টার সচ আজ নেট, তাকে আমি ফিশিং গিয়ার কৌছে। তো এদ্বারা আমার কোণ হুয়ে ফিশিং গিয়ার যেহেতু যেহেতু যেতবে রহিযায় বা ইউজ হয়ে কমপ্লিট হয়ে যায়, ফিশ কট করে সারা পরে সেটা অনইউজ হয়ে যায়, পুরোনো হয়ে যায়, পুরোনো হয়ে সারা পরে সেটি সিরে হি সে ফোপাড়ি দিকে, সেপাই সেটা পলিউশন ক্রিয়েট করে আলগা অর্গানিজম মানে সেতরে প্রবলেম ফেস করতে। তাপরে নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা, হ্যুমান কু নেকি বহুত সারা কোশ্চেন্স অছি, মায়োপিয়া মানে সমস্ত জানিছ, মায়োপিয়া এলসো নোন অ্যাজ নিয়র সাইটেডনেস ক্যান বি করেক্টেড বাই ইউজ অফ কনকেভ লেন্স। তবে এটা ডাইরেক্টলি দেখিব এনসিইআরটি রে অছি, এটা মু জাস্ট দেখাই দউছি তার স্ক্রিনশট দেখ। মায়োপিয়া তো ডিফেক্ট অফ ভিজন এন্ড দেয়ার করেকশন, মায়োপিয়া রে আমার তিনটা যে সেক্স পার্ট অছি, সে তিনটা পার্ট রে দেখো এটা ডাইরেক্টলি দেখা হয়েছে মায়োপিয়া ইজ এলসো নোন অ্যাজ নিয়র সাইটেডনেস। তো মায়োপিয়া কেমিতি ইউজ করি কি সে মায়োপিয়া কু কেমতি মানে সে ইরাডিকেট করি পারিব, ওকে মায়োপিয়া আর রহি পারিব না, তাকু কেমতি সে ট্রিটমেন্ট করি পারিব কোউ লেন্স কু ইউজ করি কি, ওকে। তো এটা দেখো করেকশন ফর মায়োপিয়া, তো কনকেভ লেন্স ইউজ করি কি সে করেক্ট করি পারিব। তারপরে দেখো মায়োপিয়া কু নেই কি রিলেট করি পারিব, এটা দেখো আউ গোটে কোশ্চেন্স থিব সেতরে মায়োপিয়া কু নেই কি দেখো, এটি নেক্সট ইয়ার কোশ্চেন্স পড়ছি মায়োপিয়া ইজ এলসো নোন অ্যাজ, এটি কোশ্চেন দেখো কোশ্চেন রে আনসার দিয়েছি লাস্ট ইয়ার কোশ্চেন্স রে নিয়র সাইটেডনেস, সেপাই প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন্স বহুত ইম্পর্টাট, মায়োপিয়া ইজ এলসো নোন অ্যাজ কোণ নিয়র সাইটেডনেস, ওকে। তো আনসার হব ডি। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং শুড বি অভয়েডেড ইন বায়োলোজিক্যাল ম্যারেজ। তো ব্লড গ্রুপ যে ডিফরেন্ট ব্লড গ্রুপ যে অছি তার মেকানিজম বিষয়ে বুঝিয়া ট্রাই করিব, আউ ব্লড কিয়ে কিয়ে ইউনিভর্সাল ডোনর কিয়ে ইউনিভর্সাল আসেপ্টর তার যে কিছু কিছু পার্ট অছি তাকে বুঝিয়া ট্রাই কর। তো এইথরে যে পর্টিকুলারলি অছি হুইচ অফ দ্য ফলোইং শুড অভয়েডেড ইন বায়োলোজিক্যাল ম্যারেজ, তো এমতি গোটে সিচুয়েসন আসিব যে সিচুয়েসন কু আমি অভয়েড করিবা কথা, তো যেমতি গোটে বয় পাখে এ প্লস ব্লড অছি আউ গোটে গার্ল পাখে এ মাইনস ব্লড অছি, তাহলে আমি তাকে অভয়েড করিয়া পাই পড়িব। তো কোণ পাই তাকে অভয়েড করিয়া পাই পড়িব, তাকে তুমি ডিটেল পড়িব, ডিটেল ন পড়লে বি ঠিক সেথরে সার্চ করলো তো ইজিলি তুমি আনসার পাই পারিব। তারপরে দেখ আর্টিফিসিয়াল কিডনি, আর্টিফিসিয়াল কিডনি কোণ করিয়া পাই হেল্প করে, তো কিডনি র যে কিডনি কু আমি রিপ্লেস করুছো মানে কিডনি র অল্টারনেট পার্ট কু আমি ইউজ করুছে, তেণু আর্টিফিসিয়াল কিডনি এই সব জিনিস করে পারিব, সব জিনিস করে পারিব। তো বেসিক মেইন ফাংশন কোণ, ইট সিক্রেট দ্য ওয়েস্টফুল সবস্টান্সেস ফ্রম ব্লড টু টিউবুলস, তো এই যে ব্লড টু টিউবুলস দিয়েছি এতে আমার কোণ নাইট্রোজেনিয়াস ওয়েস্ট কু সে রিমুভ করে আর রিঅবজর্ভ করে, কাহা কু রিঅবজর্ভ করে না ইউজফুল সবস্টান্সেস ফ্রম টিউবুলস টু ব্লড, তো সব জিনিস আমার এতে ফাংশনিং করে, তো আনসার উইল বি অল অফ দ্য এবভ। নেক্সট কোশ্চেন দেখো ইনসুলিন, দেখো লাস্ট কোশ্চেন থিলা আমার লাস্ট যে ডিসকস করতে সেটা আমি এনজাইম বিষয়ে পড়তে, বট ইনসুলিন বিষয়ে দেখো সেই টাইপের কোশ্চেন বি রিপিট হচ্ছে, তো ইনসুলিন কোথু আমার সিক্রেট হচ্ছে, তো বহুত সারা হরমোন যে অছি হরমোন কু তোমাকে মনে রাখিয়া পাই পড়িব, প্লান্ট হরমোন আউ অ্যানিমাল হরমোন, আমি দেখিলে প্লান্টর হরমোন গোটে দেখিলে লাস্ট টিকে আগরু, তো এইটি দেখো
एनिमल हार्मोन बा ह्यूमन बॉडी रे जो हार्मोन अछि इंसुलिन से कोठू सिक्रेट होउछि। तो इंसुलिन सिक्रेट होउछि पानक्रियाज रु सिक्रेट होउछि। तो सही रिलेटेड तमे जिंसो तमे डायरेक्टली एनसीईआरटी रे पाई परिवो कि जे कोनोसी बुक रे पाई परिवो। ओके तो देखो इंसुलिन विषय देइछि पानक्रियाज विषय तमे जेतो पढिवो एथरे दी तीनटा क्वेश्चंस एही सेक्शन रो ही आसीछि। पानक्रियाज आम टिके परे देखिबा डिजीज सेक्शन रे भी एथरे एही स्क्रीनशॉट मु तुमको देखेबी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोराइड एसिड इन स्टोमाच। तो हाइड्रोक्लोराइड एसिड रो काम कोन इट किल द बैक्टीरिया व्हिच एंटर टू स्टोमाच विद फूड इट अब्सॉर्ब हार्मफुल टॉक्सिंस इट कन्वर्ट द फूड इनटू सेमी सॉलिड लिक्विड फॉर्म इट हेल्प इन प्यूरिफाइंग द ब्लड। तो हाइड्रोक्लोराइड एसिड रो जो काम कोन बोली से कहउछि। ओके तो ताले यार काम कोन आम देखा हाइड्रोक्लोराइड तुम आंसर देवाई ट्राए कर कमेंट सेक्शन में हाइड्रोक्लोराइड एसिड रो काम कौन स्टोमाच। ओके तो आंसर कौन हम ना इट किल द बैक्टीरिया व्हिच एंटर टू द स्टोमाच विथ फूड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा हाइड्रोक्लोराइड इट किल्स द बैक्टीरिया व्हिच एंटर टू स्टोमाच विथ फूड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन इट इज एन एसेंशियल एसिड इन द स्टोमाच इट हेल्प destroy bacteria as well as other harmful species it also work as preservative of food food preservation करिया पे भी hydrochloride use हुए। hydrochloride अमर कौन हुए it convert pepsinogen which is not active into pepsin to metabolize protein in our stomach HCI also act as another stomach cover apart from mucus to avoid the pepsin to digesting the entire stomach। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द टेस्टिस मेल गोनाड इज लोकेटेड इन इन साइड द स्क्रोटम इन ऑर्डर टू कीप टेस्टिकुलर टेम्परेचर। यार आंसर कौन हम बॉडी टेम्परेचर रु तार टेम्परेचर लोअर होता लोअर करवाई सेपरेटली से थाए। ओके तो आंसर तेल कौन हम लोअर दैन बॉडी टेम्परेचर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ईईजी ईईजी कौन पे यूज हुए ईईजी मान तो तुम जान न बहुत पिला तो कौन पे यूज हुए ना ब्रेन को मेजर ब्रेन रो फंक्शन को मेजर करिया पे ईईजी हुए। तो ईईजी कौन इलेक्ट्रोनिसेफालग्राम। ओके तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन ब्लड ब्लड विषय ब्लड चैप्टर को पढ़ी थी तुम कौन पे ना ब्लड को लेकर क्वेश्चन बहुत आसी। तो ह्यूमन ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कौन हेमोग्लोबिन इन प्लाज्मा हेमोग्लोबिन इन प्लाज्मा और हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल आम देखीद। हेमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। ओके तो प्लाज्मा इटसेल्फ इज ए स्ट्रॉ कलर व्हेन व्यूड अंडर ए माइक्रोस्कोप बट द हेमोग्लोबिन मेक अप सो मच ऑफ द ब्लड सेल दैट इट्स रेड कलर ओवर पावर द कलर ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट सेक्शन को जीवा इकोलॉजी इकोलॉजी को लेकिन आम डिस्कस करते मुझे डिस्कस करूनी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आम फॉसिल फ्यूल तो हेनी आउ न्यूक्लियर एनर्जी हे सियर न्यूक्लियर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो बायोमास भी आम कहीपर रिन्यूएबल एनर्जी तो यही सेट जी आम देखा आंसर सुड बी ऑल ऑफ द अबव बट आम फॉसिल फ्यूल जो अच्छी फॉसिल फ्यूल तो आम ऑलरेडी यूज करुचे बायोमास हमें यूज करुचे ऑलरेडी बट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज न्यूक्लियर एनर्जी आंसर हम। तो ये हमें देखा सर्च करवा फॉसिल फ्यूल तो ये देख कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ द एनर्जी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हैव बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एटा कौन बेसिकली फॉसिल फ्यूल यूज है तेनालीराम आम एलिमिनेट करपर आम कहीपर जे आमर जो बायोमास एनर्जी तो बायोमास एनर्जी को भी आम एवं कहचे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बा रिन्यूएबल एनर्जी कहचे बट बायोमास एनर्जी आम बहुत ऑलरेडी आगु बहुत यूज करे जमी गैस प्लांट बट पोटेंशियली आम फुल्ली फुल्ली आम यूज करना तो या एलिमिनेट करके आम कौन कर आंसर न्यूक्लियर एनर्जी कर
तो न्यूक्लियर एनर्जी तो करिपरिबा ठीक अच्छे, बट न्यूक्लियर एनर्जी जो अच्छी बा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अच्छी इंडिया रे ताकू भी हमको मन रखिया पड़ो। तारापुर आटोमिक पावर स्टेशन कौटी अच्छी महाराष्ट्र में, मुझे पचारि नावरा आटोमिक पावर स्टेशन कौटी अच्छी ना यूपी। तापर देखो काइगा कर्नाटक, कुदनकुलम तमिलनाडु और काकरापुर गुजरात। ओके तो ये जो 6-7 न्यूक्लियर पावर प्लांट तापर थर्मल पावर प्लांट, तो यही सब जिनस को तुमको टे मन रखापी पड़ो। तापर देखो कोल शुड बी यूज्ड जुडिशियसली बिकॉज़ इट कजेस एयर पोल्यूशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, सब करे। ओके ऑल ऑफ द अबव। तापर द सेफ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर इन पीपीएम इज 350, 650, 800, 1000। ओके तो आंसर कौन हम देखा, तो आंसर हम ए 350। तो सेफ लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज 350 पार्ट पर मिलियन। द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज करेंटली एट द नियरली 412 पार्ट्स ऑफ मिलियन एंड राइजिंग। तो पार्ट्स पर मिलियन तारो कौन एटा यूनिट बोली मन रखिबो, कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसेंट्रेशन को हमें मेजर करू जे कोथरे यूनिट पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ह्यूमन डिजीजेस टाइप टू डायबिटीज इज कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लासेमिया, पॉलीयूरिया, बोथ ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो ये आम देखा ह्यूमन जो टाइप टू डायबिटीज, तो मुझ जस्ट सर्च कर टाइप टू डायबिटीज, तो आंसर हम ए। तो बेसिकली आम टाइप टू डायबिटीज आउ टाइप वन डायबिटीज विषय तुम जानवा दरकार। जो टाइप वन डायबिटीज इज ए ऑटो ह्यूमन रिएक्शन व्हिच अटैक्ट द सेल इन योर पानक्रियाज दैट प्रोड्यूस इंसुलिन एंड इज कॉज्ड बाय इनहेरिटेड जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल एनिमेट। बट टाइप टू डायबिटीज हैपेंस व्हेन योर बॉडी इज बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन एंड इज एसोसिएटेड विथ जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल चॉइस। तो आंसर हम कौन हाइपरग्लासेमिया। ओके ब्लड सुगर जो हमें कहते हैं। तापर देखो प्लांट जो अच्छी प्लांट रो डिजीज जो अच्छी से ए सेक्शन रे नो ऊपर सेक्शन रहिया कथा सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर माने कौन आर्ट एंड साइंस एंड कल्टीवेशन ऑफ कौन फॉरेस्ट्री। ओके तो एटा इजी क्वेश्चन, तो जो दुईटा क्वेश्चन देखो पढ़लानी। तो बेसिकली आम सिल्वी कल्चर कौन, आक्वा कल्चर कौन, पेडोलोजी कौन, ये सब जिनस को जानवा दरकार। तापर देखो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट आमर कौटी सिचुएट अच्छी नागपुर, जोधपुर, कानपुर, फतेहपुर। ओके तो एरिड फॉरेस्ट आमर कौटी अच्छी, बेसिकली एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट आम सर्च करवा एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कौटी अच्छी, आंसर हम जोधपुर। ओके तो जोधपुर जदि आम ठीक अच्छे, बट अलग जो इंस्टीट्यूट सब अच्छी मन रखापी पड़ो, जमी एग्रीकल्चर विषय जहाँ सब इंस्टीट्यूट अच्छी, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूट अच्छी, तापरे राइस कल्टीवेशन को लेकिन अच्छी इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट कौटी अच्छी, आ कटक रे जो अच्छी सेटा को इंस्टीट्यूट ताकू तुम्हें मन रखापी ट्राए कर। तापरे आमर फिश फिशरी को लेकिन आमर अच्छी भुवनेश्वर भी गोटे फिशरी को लेकिन इंस्टीट्यूट अच्छी, तो तार ना कौन आउ अलग कौन टाइप हो पार से टाइप क्वेश्चन भी इम्पोर्टेन्ट। तापरे देखो नेक्स्ट सेक्शन मिसलेनियस सेक्शन, मिसलेनियस सेक्शन आम कम्प्लीट करवा एवं व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अल्टीट्यूड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड। तो वेलोसिटी ऑफ क्लाउड को मेजर करने को इंस्ट्रूमेंट आम यूज करती। ओके तो यार आंसर कौन हम देखा, तो वेलोसिटी ऑफ क्लाउड को मेजरमेंट करने देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट को आम यूज करती, तो ता ना कौन नेफोस्कोप। ओके तो ग्रीक रे आम तार मीनिंग नेफोस्कोप माने कौन क्लाउड ऑब्जर्वर। तो क्लाउड ऑब्जर्वर गोटे इंस्ट्रूमेंट जोटा कि आम क्लाउड मोमेंट को मेजर करने डायरेक्शन जो क्लाउड क्लाउड जो डायरेक्शन जाऊँगी तार डायरेक्शन को मोमेंट को मेजर करने यूज हो। तो फाइरेजियोमीटर नेफेल्यूमीटर वेंटुरीमीटर यार यूज कौन ताको भी मन रखियो। नेक्स्ट से ही वर्ष ही क्वेश्चन आसी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर।
तो वेरी हाई टेम्परेचर को यू मेजर करिया पे कौन कौन दरकार कौन इंस्ट्रूमेंट दरकार आम देखा आंसर हम डी पायरोमीटर। तापरे सोलारीमीटर देख सोलार रेडिएशन को मेजर करिया पे पायरोजियोमीटर कौन पे यूज होची ना यूज्ड फॉर मेजरिंग द इन्फ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रम इन एटमॉस्फेयर। फोटोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तेमती कि तापरे देख लो प्रेशर, लो प्रेशर टर्निंग टू साइक्लोन इज रिजल्टेड इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ऑफ द सी लेवल राइजेस अबव 26.5 डिग्री सेल्सियस। तो एटा एनसीईआरटी रे तुम्हें पढ़ी थी ना एटा 26 ना 15.5 डिग्री आम देखा तो आंसर हम सी नॉट 26.5। तो यहाँ डायरेक्टली तुम कौटी पाइब एनसीईआरटी रे पाइब। तो बेसिकली आम देख क्वेश्चन कौन पचार टेम्परेचर ऑफ वाटर एट सी लेवल। तो सी लेवल वाटर आमर केते बढ़े आमर कौन हो ना लो प्रेशर टर्निंग टू साइक्लोन इज रिजल्टेड। तो चैप्टर नंबर 10 11th एनसीईआरटी जो तुम देख एटमॉस्फेरिक विषय प्रेशर विषय तो ये देखो ये टेबल को से जो देख ये देख स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर एट सिलेक्टेड लेवल। तो सी लेवल ले देख स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15.2 रोचे तो ये जो डिटेल टी पढ़ यार आंसर तुम इजिली कर। तापरे माइग्रेशन ऑफ कैंसेरियस सेल फ्रॉम साइट ऑफ ओरिजिन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग सेकेंडरी ट्यूमर इज कॉल्ड कौन डायफेडेसिस मेटास्टाटिस प्रोलिफरेशन नॉन ऑफ द अबव। तो आम देखा आंसर कौन हम तो आंसर हम मेटास्टाटिस मेटास्टाटिस। तो मेटास्टाटिस कौन ताको तुम डिटेल डिस्कस कर कैंसर जो अच्छी तुम 12 बायोलॉजी को जीव बहुत सारा डिजीजेस अच्छी कैंसर गोटे बहुत मेजर डिजीज। तो कैंसर विषय तुम डिटेल देख व्हाट इज कैंसर कैंसर केमती हुए आख लिखाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टाटिस। तो ये जो मेटास्टाटिस कौन ताको तुम बुझाप ट्राए कर कैंसर कौन पर हुए तो डायरेक्टली से आंसर देती कौन पर हुए ट्रीटमेंट केमती कर कैंसर रहा बहुत बढ़िया आर्टिकल। तो यहाँ एनसीईआरटी तो इजिली तुम जाइर कर। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो यहाँ इजी क्वेश्चन तो यहाँ तुम कौटी पाइब ये देखा ब्रॉन्ज देख कॉपर एंड टिन। तो प्रिवेंशन ऑफ करोजन ये देख एनसीईआरटी पार्ट तो ये डायरेक्टली देती लेयर ऑफ जिंक। तो ये आगे डिटेल जब पढ़ तुम्हें यार आंसर पाइपर। तो देख ब्रास कार एलॉय एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक ताले ब्रॉन्ज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। आयरन पिलर एट दिल्ली इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेयर एज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। सोल्डर कार एलॉय लीड एंड टिन र एलॉय पीबी एंड एसएन। तो ये देख ये तीन टा अच्छी अलग पार्ट भी तुम्हें बुक रे पाई परियो कोड़ी पाई ना जो मु कहतली लुसेंट बुक रे तुम्हें जो जीव जनरल साइंस पार्ट रे ताकू इजिली फाइंड आउट करि परियो। तापर देखो नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट्स इन फूड स्टफ कौन पे एंटीऑक्सीडेंट जो फूड स्टफ रे जो रखा जाए एंटीऑक्सीडेंट जो यूज हुए कौन पे ना हमरो जो हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स प्रिवेंट स्पॉइलेज सब जिन सब आंसर हबो डी। तापर विटामिन को लेके क्वेश्चंस देखो आछी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट ऑफ विटामिन सी गवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नोन एज विटामिन सी आस्कॉर्बिक एसिड। तो या को तुम इजिली तुम जान तो विटामिन रो जो टेबुल अच्छी एनसीईआरटी ताकू मन रखा ट्राए कर। देख स्पेस साइंस स्पेस साइंस 15 रे किसी क्वेश्चन आसीनी। तापर इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व 2016 पढ़ी इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व चेंजेस इन सोलार सिस्टम इज हबल टेलीस्कोप इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप बोथ बी एंड सी। हबल टेलीस्कोप सोलार सिस्टम को यूज करने जो इंस्ट्रूमेंट आम यूज कर ना कौन हबल टेलीस्कोप। तापर ग्राविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने आम लिगो कौन कर ब्लाक होल जो मर्ज को लेकिन आमर किसी एविडेन्स एकाठी कर तो कौटी कौ कनसेप्ट को लेकिन अच्छी आइनस्टाइन जेनेल थीअरी अफ रिलेटिविटी। तापर देख नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एटा को 2018 रो क्वेश्चन 18 और 19 रो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पचार देख हाँ 2019 रो क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन सही सेम जिन पढ़ी देख इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व चेंजेस इन सोलार सिस्टम इज हबल टेलीस्कोप। तापर रॉकेट आर डिजाइन टू क्यारी पेलोड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सैटेलाइट्स ऑल ऑफ द अबव।
ତ ଏମିତି କି ଆମେ ସାଇନ୍ସର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2015ରେ 18 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଫ୍ରମ୍ ସାଇନ୍ସ ସେକ୍ସନ୍, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ସେକ୍ସନ୍। ସେମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନ, ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଫିଜିକ୍ସ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅ। ସେମିତି ମେଜର ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିକି, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ମାଗ୍ନେଟିଜିମ୍, ଏଇ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ କିଛି ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସେଥିରେ ତାକୁ କଭର କରିଦିଅ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଏତିକି କରିକି ସ୍କିପ୍ କରିକି ଅଲଗା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ତୁମେ ପୁରା ସବୁଥିରେ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବନି, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼। ଆଉ ଖାଲି ଏନସିଆରଟି ତ ପଢ଼ିବନି, ଏନସିଆରଟିକୁ ଆଡ୍ କରିକି ତୁମେ ଲୁସେଣ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଆରିଆନ୍ର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବ। ସେଥିରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଲମ ଦେଇଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ ନା, କନସେପ୍ଚୁଆଲ ପାର୍ଟ ତୁମେ କ୍ଲିଅର ହେବା ପାଇଁ ଏନସିଆରଟି ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ପାର୍ଟ ତୁମେ ସବୁ ସେଇ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ପାଇପାରିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିବ, ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ସେଇ ବୁକ୍ରୁ ହିଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ସ ଆସିଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ବୁକ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏନସିଆରଟିରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟ ଅଛି ବା କନସେପ୍ଚୁଆଲ ପାର୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରିପାରିବ, ତୁମେ ଅବଭିଅସଲି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ନା, ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ଦେଖିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଦେଖିବା। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାର୍ଟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପିଲା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତୁମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ରିଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାର୍ଟରେ କେଉଁ ପାର୍ଟକୁ ତୁମେ ଇଜିଲି ତୁମେ ଏବେ ଦେଖିବ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ବଟ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍ସ କେଉଁ ପାର୍ଟରୁ ଆସିଛି ଆଉ କେଉଁ ପାର୍ଟରୁ ଆସିପାରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ନେଇକି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ, ସେୟାର ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଓକେ, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।